यमलोक पहुँचे। डाकू ने यमराज से दंड मांगा और साधु ने स्वर की। सुख सुविधाएँ यमराज ने डाकू को साधु की सेवा करने का दंड दिया। साधु तैयार नहीं हुआ। यम ने साधु से कहा, तुम्हारा तप अभी अधूरा है। मृत के बाद एक साधु और एक डाकू साथ साथ यमराज के दरबार में पहुँचे। यमराज ने अपनी बही खातों में देखा और दोनों से कहा, कैदी तुम दोनों अपने बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। डाकू अत्यंत विनम्र शब्दों में बोला, महाराज मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, बहुत बड़ा अपराधी हूँ, अतः आप जो दंड मेरे लिए तय करेंगे मुझे स्वीकार होगा। डाकू के चुप होते ही साधु बोला, महाराज मैंने आजीवन तपस्या और भक्ति की है, मैं कभी असत के मार्ग पर नहीं चला, मैंने सदैव सत्कर्म ही किए हैं, इसलिए आप कृपा करके मेरे लिए स्वर्ग के सुख साधनों का प्रबंध करें। यमराज ने दोनों की इच्छा सुनी और डाकू से कहा, तुम्हें दंड दिया जाता है कि तुम आज से इस साधु की सेवा करो। डाकू ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार कर ली। यमराज की यह आज्ञा सुनकर साधु ने आपत्ति करते हुए कहा, महाराज इस पापी के स्पर्श से मैं अपवित्र हो जाऊंगा, मेरी तपस्या और भक्ति का पुण्य नरक हो जाएगा। यह सुनकर यमराज क्रोधी होकर बोले, निरअपराध व भोले व्यक्ति को लूटने और हत्या करने वाला तो इतना विनम हो गया कि तुम्हारी सेवा करने को तैयार हो गया। एक तुम हो कि वर्षों की तपस्या करने के बाद भी अहंकार ग्रस्त ही रहे और यह ना जाने सके सभी में एक ही आत्मा तत्व है, तुम्हारी तपस्या अधूरी है, अतः आज से तुम इस डाकू की सेवा करोगे।